ओम शांति। हम सभी संगठनों में रहते हैं, हमारा परिवार भी एक सुंदर संगठन होता है। परिवारों में प्यार रहे, तनाव न रहे, संबंध हमारे सुखदायी हो जाएं, सब एक दूसरे को स्नेह, सहयोग और सम्मान देने लगे, यदि ऐसा होता है तो मनुष्य को जीवन जीने का सुख प्राप्त होता है। और यदि संबंधों में कड़वाहट रहती है, पति पत्नी के बीच संघर्ष चलता है, बाप और बच्चों के बीच मनमुटाव रहता है, तो जीवन सुखद प्रतीत नहीं होता है। आजकल संसार में संबंधों में भी बहुत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और तनावग्रस्त होने के कारण या माया का फोर्स होने के कारण लोग व्यसनों के भी शिकार होते जा रहे हैं। कई लोग तो अपनी वासनाओं को दबाने के लिए व्यसनों का आधार लेते हैं, परंतु व्यसनों से वासनाएं बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे पास ईश्वरीय शक्तियां हैं। हम अपनी शक्तियों को पहचानें और याद रखें, जितना हमारी अपनी सब शक्तियां बढ़ती जाएंगी, जीवन निर्विघ्न होता जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, विघ्न आएंगे ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास हमें रखना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं। इस सत्य को रियलाइज करें, इस सत्य को स्वीकार करें। केवल कहने और रटने की बात नहीं है, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। उसकी शक्तियां हम में थी, लेकिन जब बाबा आ गए तो उसने अपनी और बहुत सारी शक्तियां हमें दे दी हैं। और फिर हम जितना जितना योग लगाते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाती हैं, तो हम बनते जाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और यदि इसकी स्मृति हम बार बार लाएंगे, शक्तियां तो हमारे पास हैं, लेकिन उनकी स्मृति लाना आवश्यक है। यदि बार बार उनकी स्मृति लाएंगे तो सोई हुई शक्तियां जागृत रहेंगी, शक्तियां एक्टिव रहेंगी, वो कार्य करती रहेंगी और हमारे कई कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होते रहेंगे। तो हम संगठनों में चलते हुए, परिवारों में रहते हुए अपने को मोल्ड करके चलें, अपने को झुका कर चलें, दूसरों की बातों को सम्मान देकर चलें। जो व्यक्ति मुड़ता है वो सहज ही मंजिल पर पहुंच जाता है, और जो अकड़ के खड़ा रहता है वो जहां तहां टकराता है, उसकी मानसिक शक्तियां नष्ट होती हैं, उसके कदम रुकते हैं, मंजिल उससे दूर चली जाती है। तो मोल्ड होना सीखें, और मोल्ड वही होता है। संसार में भी देखें, किस वस्तु को हम मोड़ सकते हैं जो नरम हो। नरम गोल्ड आराम से मुट जाता है, लोहे को मोड़ने के लिए भी गर्म करना पड़ता है। यदि हम स्वमान की गर्मी अपने अंदर धारण करें, ये स्वमान और ईश्वरीय नशा एक ऐसी गर्मी है, गर्माई है, जो हमें सरल चित्त बना देती है और हमारे लिए स्वयं को मोल्ड करना बहुत सहज हो जाता है। तो यदि आपके संबंधों में टकराव है, क्लेश है, तो आप स्वयं को मोल्ड करने का संकल्प करें। मुकाबले इसके कि दूसरे को मोल्ड करने की इच्छा हो, पहले ये मुड़े फिर मैं मुड़ू, ये नहीं। बड़े हम हैं, महान हम हैं, महानता की शुरुआत हमें करनी है। हम मुड़े, हम झुके, तो सचमुच दूसरा भी मुड़ने लगेगा और झुकने लगेगा। इससे हमारे संबंधों में अमृत घुल जाएगा। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
संपूर्ण निरहंकारी हूँ, परम धाम में सर्व शक्तिवान को विजुअलाइज करेंगे, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं, मानो ऊपर से सर्व शक्तिवान की शक्तियों की बरसात हो रही है, ये किरणें हम में समा रही हैं, हमारे विकर्मों को नष्ट कर रही हैं, आज सारा दिन इसका आनंद लेंगे। ओम शांति।